Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों के बारे में गांधी जी लिखते हैं कि मेरे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं होती गई और कई सारे इतने लोगों से मैं मिलता रहा कि मेरे मन में कभी अपना और पराया यह भेदभाव आ ही नहीं रहा था। मेरे लिए अपने पराए रिश्तेदार दूसरे लोग, अपने देश के लोग दूसरे देश के लोग, काले गोरे, इस तरीके का कोई भी भेदभाव किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं आ रहा था और इसके लिए मैं किसी स्पेशल एफर्ट्स मैंने लिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, परंतु यह मेरा स्वभाव बन चुका था। जैसा कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके बारे में या ये सद्गुण मेरे अंदर लाने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ी थी, लेकिन भेदभाव का यह कभी भी भेदभाव की यह भावना कभी भी मेरे मन में नहीं आई। जब मैं डरबन में रह रहा था उस समय मैंने वेस्टर्न स्टाइल में मेरा घर बनाया था। मेरे साथ में जो क्लर्क काम करते थे उनमें कुछ इंडियंस भी थे और कुछ क्रिश्चियन भी थे और ये सारे क्लर्क मेरे ऑफिस मेंबर्स ना होते हुए मेरे लिए मेरे घर के मेंबर्स के जैसे ही थे और इसीलिए वे ज्यादातर समय हमारे साथ ही उसी घर में रहते थे। हमारे घर में हर एक रूम में गंदा पानी बाहर जाने के लिए आउटलेट नहीं था और उसके लिए हमने चेम्बर पॉट्स बनाए हुए थे। यह चेम्बर पॉट्स समय समय पर साफ करना पड़ता था। जो क्लर्क या जो सदस्य हमारे साथ बहुत दिनों से रहते थे उन्हें इन कामों का अंदाजा था और इस वजह से वे खुद ही अपने अपने कमरों के चेम्बर पॉट्स साफ कर लेते थे। लेकिन एक बार एक नया क्रिश्चियन क्लर्क मेरे साथ काम करने के लिए आया और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से चेम्बर पॉट की साफ सफाई करना चाहिए और मैंने भी उसे कभी यह करने के लिए नहीं कहा। यह काम एखादे नौकर से, सर्वेंट से, एखादे स्वीपर से करने के बजाय मैं और मेरी पत्नी खुद ही करते थे। ऐसे तो मेरी पत्नी इस काम में मेरा साथ देती थी, लेकिन इस नए क्लर्क के बारे में उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह तैयार नहीं थी कि उसके कमरे का चेम्बर पॉट वह साफ करे। जब मैं उसे यह करने के लिए कहता था तो वो बहुत नाराज होती थी। मुझे आज भी याद है किस तरीके से वह गुस्सा होती थी और वह रो भी पड़ती थी, लेकिन इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता था। इतना ही नहीं तो अगर वह काम करती थी तो मैं यह सोचता था कि उसने यह काम हंसते खेलते करना चाहिए। जब मैंने उसे कहा तो वह नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं हंसते खेलते यह काम नहीं कर सकती हूँ। तब मैंने उससे कहा कि ये नॉनसेंस बिहेवियर मेरे घर में नहीं चलेगा। यह बात उसे तीर की तरह चुभ गई और उसने मुझे कहा कि आप मुझे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए सामने गेट तक लेके गया, इस इंटेंशन से कि मैं उसे गेट के बाहर निकाल दूं। जब ऐसा हुआ तो वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने बहुत कंट्रोल किया और वह रोने लगी। उसने मुझसे कहा कि आप इस तरीके से कैसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हो, ऐसा बिहेव करते समय आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? आप मुझे घर के बाहर निकाल रहे हो, यहाँ ना तो मेरे माता पिता है ना कोई रिश्तेदार, मैं कहाँ जाऊंगी? इस तरीके का बिहेवियर आपको शोभा नहीं देता है और इस तरीके का सीन क्रिएट करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप क्यों समझते नहीं है इस बात को? उसके इस कहने से मैं कुछ शांत तो हुआ, मेरे चेहरे पर मैंने ब्रेव एक्सप्रेशंस दिए, लेकिन अंदर के अंदर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसके ऊपर अनजाने में पता नहीं कितना अत्याचार किया था और यह मेरा रूडनेस उसके प्रति मानो तो प्यार ही था, क्योंकि मैं खुद को हमेशा उसके टीचर के रूप में देखता था और मैं सोचता था कि जो आइडियल से और जो ईमानदारी से मैं ये सारे काम करता हूँ उसी तरीके से उसने भी यह काम करना चाहिए। एक तरीके से यह मेरा अंधा प्यार था और मेरा यह भी उस समय मेरी सोच यह थी पत्नी के बारे में कि पत्नी अपने पति के वासनाओं की पूर्ति का एक साधन है, ना कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक वो साथी है, ना तो वो हेल्पर है, ना वह दोस्त है।
ये सारे यह घटना 1898 में हुई, जिस समय कि मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं ब्रह्मचर्य के बारे में सोचने लगा और मैंने शपथ ली, मुझे ध्यान में आया कि मेरी पत्नी मेरी साथी थी और मैंने कई बार उसके साथ में गलत व्यवहार किया था। मैं जब बीमार था तब कस्तूरबा ने पूरे दिल से बिना किसी रिवॉर्ड्स की उम्मीद किए मेरी बहुत सेवा की और आज भी अब हम दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन वी हैड बीन ट्राइंग फ्रेंड्स, यह फ्रेंडशिप इतनी आसानी से हम लोगों के बीच में नहीं हुई थी। आज भी मैं सोचता हूँ कि कई बातें कस्तूरबा को मेरी पसंद नहीं आती है, पर उसके बारे में मैं उसके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। एक तो इंटेलेक्चुअली मैं और वो बहुत अलग अलग है। उसे कभी पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, ना उसके माता पिता ने उसे सिखाया, ना मैं एक पति होकर उसे सिखा पाया, क्योंकि शुरुआती दिनों में वह मेरे लिए सिर्फ मेरी वासना पूर्ति का एक साधन थी और इस वजह से शायद मैं कभी उसे एक इंसान के रूप में देख ही नहीं पाया था। लेकिन आज हम दोनों के संबंध काफी शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और अफेक्शन से भरे हुए हैं। इससे किसी रीडर ने यह नहीं समझ लेना कि हम दोनों एक आदर्श पति पत्नी हैं। कई बार हम लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी थे, पर कस्तूरबा में मैंने एक बहुत ही बड़ा सद्गुण देखा और यह सद्गुण मैं लगभग सभी हिंदू पत्नियों में देखता हूँ। वह है अपने पति के पैरों पे चलना और उसे उसके साथ उसे हमेशा अपना साथ देते रहना। इस घटना के बाद गांधी जी अपने यूरोपियन कॉन्टैक्ट्स के बारे में भी लिखते हैं कि स्पेशली मिस किन और मिस श्लेसलिन, ये दोनों भी उनके साथ में एज अ सेक्रेटरी काम कर रही थी। कितनी डिवोटेडली इन दोनों ने उन्हें मदद की थी और एक तरीके से उनके साथ बेटी जैसा और बहन जैसा ही रिश्ता मेरा बन गया था। उसके बाद में एक बार मिस सार्जेंट मंजीत सिंह के कहने पर इंडियन ओपिनियन नाम का जर्नल भी हमने शुरू किया। उसके लिए मैं कई बार आर्टिकल्स भी लिखता था और यह बात सबको पता थी कि भले ही मंजीत सिंह वह जर्नल चलाते थे लेकिन उसे फंडिंग पूरी तरीके से मैंने ही दिया था और इस तरीके से एक लंबे समय तक इंडियन ओपिनियन भी काम करता रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।